आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे किसी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम के लिए आप कैसे खुद को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि जो क्वेश्चन पैटर्न है वो पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा टू द पॉइंट क्वेश्चन अभी नहीं आता है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है क्योंकि NTA का पैटर्न का हिसाब से अभी आज एग्जाम हो रहा है, चाहे वो ICAR SRF हो, JRF हो, CUET हो या फिर स्टेट लेवल PG हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। अभी वो जो 4 से 5 साल पहला पुराना जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते आ रहे थे ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए न्यू टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा, आप किसी भी किताब चाहे क्यों ना पढ़ लें। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा दिमाग में कि कौन सा किताब को फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए चाहे कोई भी एग्जाम हो, और बेसिक के लिए सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट बुक होता है निम्रा सुंदा या फिर अरुण कत्तन। आप IBPS FO दे रहे हो तो आपको निम्रा सुंदा और अरुण कत्तन का बिना आप एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते, लेकिन आप निम्रा सुंदा और अरुण कत्तन के ऊपर हमेशा 100% रिलाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि अरुण कत्तन में हॉर्टिकल्चर पोर्शन नहीं है और निम्रा सुंदा में जो एनिमल हस्बेंड्री पार्ट है वो ज़्यादा उतना अच्छे से नहीं है, इसलिए कुछ कुछ पार्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है IBPS एग्ज़ाम के लिए उस पार्ट को आपको किसी दूसरा किताब को आपका सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बेसिक को अगर देखेंगे तो निम्रा सुंदा और अरुण कत्तन बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट किताब होता है। सेम है जो CUET PG हो, उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ निम्रा सुंदा और अरुण कत्तन आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो बहुत ही अच्छा आपको प्रिपरेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि निम्रा सुंदा या फिर अरुण कत्तन में जितना टॉपिक को कवर किया गया है वो सारा याद रखना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दो किताब बस आप पढ़ के चले जाइए तो आपका हो जाएगा ऐसा, ये बहुत सुनने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है कि दोनों किताबी तो है, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है इसको दिमाग में बैठाना, समझ के आंसर करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है बहुतों के लिए, तो इस हिसाब में आपको हार्ड वर्क करने का ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क का तरफ जाना हो। देखिए ये डिफरेंस को समझिए, जो हार्ड वर्क है और जो स्मार्ट वर्क है जो दो डिफरेंट है। हम किसी काम को हार्ड तभी समझते हैं जब हमारा उस फील्ड में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या हार्ड वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें अगर आपको जो सिलेबस है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वो काम हार्ड वर्क लगेगा, लेकिन जो स्मार्ट वर्क है उस स्मार्ट वर्क आपको तभी लगेगा जब आप उस फील्ड में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रो होगा, आप और भी जानने का कोशिश करेंगे, तो ये दोनों डिफरेंस है। तो इस आज का ज़माना में आपको हार्ड वर्क करना बिल्कुल भी नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, देखिए मुझे अगर बोलेगा कि कोई कि एक महीने में तुम निम्रा सुंदा खत्म कर सकते हो तो मैं बोलूँगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो? हाँ, अगर निम्रा सुंदा किताब को लेकर बैठ जाओगे तो पढ़ते रहोगे चैप्टर घिस घिस के वो हाइलाइटर से, तो आप कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, एक महीने में तो बिल्कुल भी नहीं, एक साल आपको लग जाएगा। देखिए मेरे पास क्या है, निम्रा सुंदा का लेटेस्ट बुक जो है मैंने दिखा रहा हूँ कि एग्रोनॉमी, ठीक है। अब एग्रोनॉमी को मैं इतना सारे पेज है एग्रोनॉमी में, यूनिट 1 जो फर्स्ट जो है वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, देख सकते हैं आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा यूनिट वन एग्रोनॉमी, ठीक है। फिर यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर यूनिट 3 आ जाएगा जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग आ रहा है, ऐसे करके आपको 7-8 आपको यूनिट मिलेगा एग्रोनॉमी में। आपको क्या करना है, आप यूनिट 1 से 4 तक, ज़्यादा उतना नहीं है, यूनिट 1 सिर्फ 2 पेज है, यूनिट 2 भी सिर्फ 2 पेज है, 3 भी 4 पेज है, ऐसा करके मान लीजिए आप यूनिट 1 से यूनिट 4 तक आपने पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आप रुक जाइए, पढ़ने के बाद आप उस यूनिट 1 से यूनिट 4 में जितना क्वेश्चन हो सकता है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको आप एक्सरसाइज बुक में आप मन में आप बना लीजिए, फिर उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए आप थोड़ी देर बाद, ऐसे करके आप फिर से शाम में यूनिट 6-7 को पढ़िए, फिर से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे किसी चैप्टर को ब्रेक करके, ज़्यादा लंबा हो, एग्रोनॉमी बहुत ही वास्ट है इसलिए एग्रोनॉमी को अगर आप 3-4 टुकड़े में बांट लेंगे तो उस 3-4 टुकड़ों में से आप क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके फिर सॉल्व करेंगे, तो आपका जो किताब है वो आसानी से बहुत ही कम समय में इफेक्टिव वे में आपको सारा दिमाग में रहे, ऐसे करके आपका प्रिपरेशन हो सकता है। हर किसी का जो एग्ज़ाम का परफेक्ट बुक है वो आप कहीं पे भी आप अपना सीनियर से हो, अपना टीचर से हो, आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो IBPS FO हो, ICAR SRF हो, JRF हो,
CUET PG हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, बिहार का जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, महाराष्ट्र का MCAER हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, आपको ये निम्रा सुंदा और अरुण कत्यान आपको पढ़ना ही होगा। जो नेक्स्ट आपको मैं स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ आप, वो है हमारा तरफ से, हमारा तरफ से आप ये हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हमने जो निम्रा सुंदा या फिर अरुण कत्यान है उसका जो चैप्टर वाइज या फिर चैप्टर को ब्रेक करके जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होता है वो पूरा हमने तैयार कर दिया है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इस पेज पे जहाँ पर आपको देख सकते हैं निम्रा सुंदा अरुण कत्यान या फिर बोथ, अगर आप खड़े देंगे निम्रा सुंदा और अरुण कत्यान फुल बुक मॉक टेस्ट सीरीज। हम किताब नहीं बेच रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं। मान लीजिए जो निम्रा सुंदा है उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर मेनू है ये एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे चैप्टर्स आपके सामने आ गया, जो इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री है, जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, सारे आप लोग को पास अवेलेबल है। अब अगर आप मान लीजिए कि एग्रोनॉमी में आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर अच्छे से मेंशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप इधर देख सकते हैं। यूनिट 1-4 आपको मिल जाएगा, यूनिट 5, 6, 7 सारे मिल जाएगा। मैं मान लीजिए कि मैं मुनसून वाला यूनिट 6 है उसको मैंने आज शाम को पढ़ा था, पर अभी मैं डिनर करके करने के बाद आपको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, यूनिट 6 में आप क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है आपके सामने आ जाएगा। टोटल 22 क्वेश्चन है एक यूनिट से, आप पूरा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन में जाता हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है आपके पास आ गया, टोटल क्वेश्चन 22 है, आपका स्कोर 2 है, ये राइट आंसर मैंने दबाया है। तो ऐसे करके अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी एग्ज़ाम आपका विदाउट प्रिपरेशन जाएगा, आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। ऐसे करके जो हमारा जो अरुण कत्यान ग्रुप है उसमें भी आप देख सकते हैं, जो एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फिर से आ गया, क्लिक हेयर टू रेडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप इधर भी जा सकते हैं। गो टू चैप्टर्स ऑफ बोथ वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम आप करेंगे, मान लीजिए मैं वॉल्यूम 2 में क्लिक करता हूँ, वॉल्यूम 2 में क्लिक करेंगे देख सकते हैं आप चैप्टर्स अवेलेबल है। मान लीजिए मैं जो केमिकल्स यूज इन डिजीज कंट्रोल चैप्टर 18 में क्लिक करता हूँ, उसमें आप जो मैंने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, केमिकल यूज इन डिजीज कंट्रोल अप टू एंटीबायोटिक्स, और जो सेकेंड पार्ट है वो केमिकल यूज्ड इन डिजीज कंट्रोल सिस्टमिक फंगिसाइड टू एंड। ठीक है, मैं ए वाला सेकेंड ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो टेस्ट है आपके सामने ओपन हो गया। आप इधर फिर से ऐसे करके देख सकते हैं जो क्वेश्चन पैटर्न है, मैं इधर दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन पैटर्न है वो आप देख सकते हैं, इसमें आपको मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन मिल रहा है, दूसरा में आपको ऐसा टाइप क्वेश्चन, हर किसी में मैच द कॉलम रहेगा ही, फिर आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मिलेगा ही और assertion reason क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, तो ऐसे करके आप NTA बेस्ड का क्वेश्चन पैटर्न आप देख सकते हो। तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निम्रा सुंदा का जो चैप्टर वाइज और अरुण कत्यान या फिर बोथ कॉम्बो निम्रा सुंदा और अरुण कत्यान का जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है उसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक मैं इधर दे दूंगा, आप जाके उसको परचेस कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अभी निम्रा सुंदा जो 150 में आपको एक ईयर वैलिडिटी के लिए सारे चैप्टर्स आपको मिलेगा, अरुण कत्यान भी 250 में आपको मिलेगा, और बोथ अगर कॉम्बो खरीदेंगे तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सिर्फ 280 में आपको अभी मिल रहा है। प्राइस आगे जाके इंक्रीज़ हो सकता है या फिर आगे जाके किसी ओवर में आपको और भी सस्ता मिल सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आप आशा रखता हूँ कि आपका एग्ज़ाम का क्रैक करने का ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ही अच्छा पसंद आएगा, और 2-3 बार करके देख लीजिए, 2-3 दिन करके देख लीजिए कि आपका जो स्ट्रेटेजी में आपका जो प्रिपरेशन में कितना बदलाव आता है। आशा रखता हूँ इस वीडियो को अच्छा लगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।